यह सुबह संसार व विश्वास है कि आपके कुशल नेतृत्व में यह राज्य विकास के नए आयाम स्थापित करेगा तथा महाविद्यालय के इस मंच को भी आपका सानिध्य अनवरत मिलता रहेगा। महाविद्यालय परिवार आपके उज्जवल मंगलमय दीर्घ जीवन की शुभकामना व्यक्त करता है। समस्त महाविद्यालय परिवार। प्रार्थना महोदय से अनुरोध करता हूँ कि आप मुख्य अतिथि को सम्मान पत्र भेंट करेंगे। इसके साथ ही स्मारक का विमोचन तथा प्रतीक चिन्ह का अनावरण माननीय मुख्य अतिथि तथा आज के विशेष अतिथि विधायक जो द्वारा किया जाना है। मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय अपने आज के आदरणीय मुख्यमंत्री जी से तथा विधायक द्वय से ये साधारण अनुरोध करता हूँ कि आप महाविद्यालय की स्मारिका तथा उसके उपरांत महाविद्यालय का प्रतीक चिन्ह जो लोगो है उसका अनावरण करने की कृपा करेंगे। महाविद्यालय की स्मारिका का विमोचन करते हुए बीज मत जाओ है। यहाँ से कर लो आकर बीज मत जाना यार। ऐसे मत देखिए डर लग रहा है। महाविद्यालय का प्रतीक चिन्ह लोगो जो कि महाविद्यालय के समस्त दस्तावेजों में अंकित होता है और महाविद्यालय की पहचान है। उसका अनावरण आज के मुख्य अतिथि तथा विशिष्ट अतिथियों द्वारा मैं मंच पर भक्त बच्चन जी के जिनके नाम पे हमारा महाविद्यालय का नाम पड़ा हुआ है उनके उनकी सुपुत्री मीरा जी को मंच पर शीघ्र आमंत्रित करता हूँ। उसके साथ ही शायद गांव के जो हमारे भूमिदान दाता हैं उनको भी शीघ्र ही मंच पर आमंत्रित करता हूँ। आप मंच पे हमारा इस संक्षिप्त सम्मान स्वीकार करें। मैडम मीना चौहान जी तथा शायद गांव के दानदाता मैं अपने प्राचार्य महोदय से अनुरोध करता हूँ डॉक्टर दर्शन जी की सुपुत्री मीरा चौहान जी का माल्यार्पण और सौलोकन करके स्वागत तथा उनको सम्मान दें। शारदाओं के जो भूमि दानदाता यहाँ पर उपस्थित हैं उनके परिजन की कृपया इसको काम तत्काल मंच पे आने की कृपा करेंगे। श्री अमर सिंह पुत्र कुंदन सिंह धर्मानंद पुत्र दत्तराम श्री नरेंद्र सिंह श्री पुत्र श्री शिपाल सिंह श्री धन सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह श्री अवतार सिंह पुत्र श्री ज्योत सिंह श्री विश्वेश्वर प्रसाद पुत्र श्री मणिराम श्री विद्यावत पुत्र श्री हरिदत्त श्री जगन सिंह पुत्र श्री मान सिंह श्री बलरूप सिंह पुत्र श्री फतेह सिंह श्री मोहन सिंह पुत्र श्री रघुवर दत्त श्री सोहन सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह श्री महेशानंद पुत्र श्री बाला दत्त श्री शिवानंद पुत्र श्री बाला दत्त श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री सुल्तान सिंह श्री बचन सिंह पुत्र श्री इंद्र सिंह। आप जितने भी सम्मानित भूमिदानदाता जिनके उदार मना हृदय से आज यहाँ पर यह महाविद्यालय अवस्थित है आप शीघ्र ही मंच पर पधारें। उनके परिजन
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जहरखाल जो अपने स्थापना वर्ष में राजकीय इंटरकॉलेज लैंडफिल पर चला था और जब भूमि की आवश्यकता हुई तो यह सैलगांव के उदारमाना भूमि दानदाताओं का ही योगदान है कि 6 किलोमीटर की परिधि में जहां पे मूल विद्यालय स्थापित हुआ था यह महाविद्यालय स्थापित हुआ है। और इस महाविद्यालय ने अपने कीर्तिमान विविध क्षेत्रों में अपने योग्य छात्रों के माध्यम से स्थापित किए। और एक सौभाग्य की बात है कि राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद हम जिसे कहते हैं 2016 में इस महाविद्यालय ने पौड़ी जनपद के सभी महाविद्यालयों से सर्वोत्कृष्ट अंक जो CGPA है 2.43 प्राप्त किया है। यह भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इस सब के मूल में आप लोगों का यह योगदान है। जो भूमि आपने दी उस भूमि की बदौलत आज महाविद्यालय यहाँ पर अवस्थित है और अपना 50 वर्ष की निरंतर पूर्णता के बाद आज अपना स्वर्ण जयंती समारोह मना रहा है। जिलाधिकारी महोदय का आग्रह हुआ है कि मैं आपसे निवेदन करता हूँ शीघ्र ही आज के मुख्य अतिथि को प्रतिचिन्ह देना चाह रहे हैं। आदरणीय जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान जी, सीएम महोदय को प्रतिचिन्ह जिलाधिकारी महोदय के द्वारा मैं जो यहाँ पर हमारे ये साउंड सिस्टम के लोग हैं जरा उनसे अनुरोध करता हूँ कि आवाज बहुत पीछे तक साथ में जा रही है, जरा उसकी व्यवस्था देखें। मैं अपनी लंकेश्वर की विधायक श्रीमती रेणु बिष्ट जी से को भी अनुरोध किया मेरा कि आप भी जिलाधिकारी महोदय का ये स्मृति चिन्ह ग्रहण करने की कृपा कीजिए। समय की बातें के मध्य जो हमारा प्रथम सांस्कृतिक कार्यक्रम है अनुषा एवं साथी उसके लोक नृत्य को प्रस्तुत कर रहे हैं। सामने से छात्र छात्राएं आ रही हैं। हम उत्तराखंडी छांव इस लोक नृत्य के साथ हमारी उत्तराखंड की हमारी भाग्यानी वो लोक नृत्य को प्रस्तुत कर रहे हैं। छात्र छात्राएं हेमंत और साथी ये छोटी लोक नृत्य है और इसमें उत्तराखंड की समृद्ध और सांस्कृतिक विरासत की पूरी झलक यहां पर दर्शकों को दिखाई देगी। Thank you.